हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द अनदर वीडियो लेक्चर सीरीज़ आज हम बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी दैट इज़ आईसीटी इन एजुकेशन और रादर देन वी कैन से दैट इन फिजिकल एजुकेशन ओके सो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आईसीटी क्या रहता है आई सी टी इज़ नथिंग बट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ओके इट इज़ ऑफन यूज एज एन एक्सटेंडेड सिनोनिस ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आई टी इंडस्ट्री है जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं उसका ही एक एक्सटेंडेड वर्जन अगर आप कहेंगे तो उसको आप कह सकते हो कि इनफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ओके सो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश uh, एक पर्टिकुलर uh, इंडस्ट्री uh, है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज की मदद से जो इन्फॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पर सेंड करने के लिए यूज़ की जाती है इट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन कैन सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ़ टेक्नोलॉजी ओके सो so, यहाँ पे अभी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी मीन्स आपको यहाँ पे एक और टर्म ऐड की गई है जिसका नाम है कम्युनिकेशन ओके सो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सो कम्युनिकेशन मीन्स आप लोगों को जो कम्युनिकेट करना है एक दूसरे के साथ में सो दैट इंफॉर्मेशन कैन एक्सचेंज बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर ओके सो आई सी टी इज़ नथिंग बट द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ आई टी ओके इट इज़ अ मोर एक्सपेंसिव टर्म दैट इज मोर ब्रॉड इन स्कोप that stresses the द रोल ऑफ यूनिफाइड कम्युनिकेशन एंड द इंटीग्रेशन ऑफ Okay, so ओके सो टेली का जो जिसकी मदद से हम लोग जो है कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते जैसे कि टेलीफोन लाइन से जब मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे तो टेलीफोन लाइन की मदद से हम लोग जो है वो एक जगह से दूसरे जगह के पर्सन के साथ में अगर कम्युनिकेट करना है तो हम लोग टेलीफोन का यूज़ करते थे फिर धीरे धीरे वायरलेस सिग्नल्स मीन्स मोबाइल्स का यूज़ बढ़ने लगा है ठीक है कंप्यूटर एज वेल एज नेसेसरी इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर मिडलवेयर स्टोरेज एंड ऑडियो विजुअल सिस्टम्स विच एनेबल्स यूजर टू एक्सेस स्टोर ट्रांसमिट एंड मैनिपुलेट द इंफॉर्मेशन ओके सो आई सी टी को आप ऐसे भी बोल सकते कि इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को आप अगर डिफाइन करना चाहते हो तो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है इंफॉर्मेशन सेंड करनी है एक प्लेस से दूसरी जगह पर विद द हेल्प ऑफ सम टेक्नोलॉजीज ठीक है तो अगर आपको इंफॉर्मेशन सेंड करनी है आपको इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचानी है कम्युनिकेशन इस्टब्लिश करना है फ्रॉम पर्सन टू तो पर्सन तो उसके लिए आप लोगों को जो है वो टेलीफोन लाइन्स या फिर वायरलेस सिग्नल्स इन सर्विसेज की मदद आप लोगों को ले, 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 लेनी पड़ेगी कंप्यूटर्स अगर आप यूज़ करते हो तो कम्प्यूटर्स पे अगर आप इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर आप यूज़ करते हो तो कम्प्यूटर्स के थ्रू भी आप जो है वो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हो या फिर इंफॉर्मेशन uh, जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पे आप सेंड कर सकते हो ठीक है सो नेसेसरी इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सब आप आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लगने वाला है ठीक है कोई सॉफ्टवेयर्स लगने वाले हैं ठीक है सो वॉट विल वी रिक्वायर वी रिक्वायर सम इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर मिडल वेयर सम स्टोरेज डिवाइसेज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन एंड ऑडियो विजुअल सिस्टम्स ऑडियो विजुअल सिस्टम्स मीनस आप लोगों को ऑडियो और वीडियो के फॉर्म में एक जगह से दूसरे जगह पे इंफॉर्मेशन सेंड करनी है और इन सब चीज़ों की मदद से इन यूजर्स क्या करेंगे यूजर्स इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेंगे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे ट्रांसमिट करेंगे और मैनिपुलेट भी करेंगे तो इन सब चीज़ों को अगर कंबाइनली अगर आप देखेंगे तो इन सब चीज़ों को हम क्या कहेंगे आईसीटी ओके सो आई सी टी मीन्स यू कैन एक्सचेंज द इन्फॉर्मेशन यू कैन कम्युनिकेट सम अदर पीपल्स विद द Uh, with the help of some uh, uh, some type of uh, telephone lines or wireless signals, or we can say that uh, some kind of a uh, enterprise software we require, some middlewares we require. स्टोरेज डिवाइसेस वी रिक्वायर टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन एंड ऑडियो विजुअल सिस्टम्स ओके सो अभी मैं जो आप लोगों को की ये वीडियो लेक्चर बता रहा हूँ ये किस में आएगा इस कि, किस के कैटेगरी में आएगा ऑडियो और विजुअल सिस्टम्स में क्योंकि आप लोगों को ऑडियो भी इस वीडियो की मदद से आप लोगों को सुनाई दे रहा है और आप विजुअल्स भी देख रहे हैं ठीक है सो ऑडियो विजुअल सिस्टम्स इन सब चीज़ों की मदद से यूज़र्स क्या करेंगे यूज़र्स इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करेंगे जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए अगर उनको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन उनके काम की है If they require, they can store it. They can transmit it. If somebody requires this, this information, and manipulate the information. On information could can manipulate the information. So this is nothing but the ICT. Okay. ICT is also used to refer the. Uh, कन्वर्जन्स ऑफ ऑडियो विजुअल्स एंड टेलीफोन नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क थ्रू अ वेरियस लिंकिंग सिस्टम्स आईसी टी मींस अगर आप लोगों को कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन सेंड करनी है तो वी रिक्वायर सम काइंड ऑफ ए नेटवर्किंग ओके किसी भी टाइप की नेटवर्किंग आप लोगों को लगेंगी जिसकी मदद से जो इन्फॉर्मेशन जो है एक जगह से दूसरे जगह पे रहेंगी ठीक है सो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को किसी पर्सन के साथ में कम्युनिकेट करना है तो आप लोग पुराने जमाने में आप लोगों के घर पे भी टेलीफोन चाहिए और सामने वाले पर्सन के घर पर भी टेलीफोन चाहिए तभी कम्युनिकेशन जो है वो स्टैब्लिश हो पाएगा ठीक है वैसे ही अगर आप लोगों को किसी पर्सन के साथ में मोबाइल के थ्रू अगर कम्युनिकेट करना है तो वो सामने वाले के पर्सन के पास में भी मोबाइल चाहिए और आपके पास में भी मोबाइल चाहिए सो यू रिक्वायर सम Networking technologies, some networks to communicate between the sender and receiver, okay. And uh, various linking systems, we require some various linking systems also, okay. So, these are the uh, ICT terms, and uh, we require some uh, communicating networking uh, resources, okay. ICT covers any product that will store. रिट्रीव मैनिपुलेट ट्रांसमिट एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली इन अ डिजिटल फॉर्म आई सी टी में कौन से कौन से प्रोडक्ट आएंगे इसमें वो प्रोडक्ट आएंगे वो रिसोसेस आएंगे जिसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं जैसे हम हमारे मोबाइल फ़ोन में अगर हम लोगों को कुछ डेटा स्टोर करना है तो वो स्टोर कर सकते हैं लैपटॉप में कंप्यूटर में अगर आप लोगों को चाहिए कोई फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो उसको सेव करके रख सकते हो ठीक है रिट्रीव भी कर सकते हो सेव की हुई फाइल कंप्यूटर में आप उसको रिट्रीव कर सकते हो उसको मैनिपुलेट कर सकते हो मींस अगर आपने वर्ड में कुछ नोट्स डाउनलोड किए हैं और उसका अगर आप लोगों को उसमें कुछ अपनी खुद की इन्फॉमेशन स्टोर करनी है या फिर कोई एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन इरेज करनी है सो यू कैन मैनिपुलेट द डेटा देन ट्रांसमिट वी कैन ट्रांसमिट अगर अगर आप लोगों की को, कोई फ्रेंड को अगर कोई नोट्स चाहिए तो आप लोग ईमेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से जो है वो जगह एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉमेशन सेंड की जाती है ऐसी कोई टेक्नोलॉजी की मदद से आप लोग उसको ट्रांसमिट भी कर सकते हो रिसीव भी कर सकते हो कुछ डेटा आप लोग लो सेंड करेंगे कुछ लोग कुछ डेटा आप लोग रिसीव करेंगे एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल फॉर्म अब ये जो इंफॉर्मेशन स्टोर करना है रिसीव करना है मैनिपुलेट करना है ट्रांसमिट करना है ये डिजिटल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिकली होना चाहिए ओके सो so, वही क्या कहा, कहा जाएगा आईसीटी अगर आप ट्रेडिशनल कोई मेल करेंगे अगर आप कोई पोस्ट ऑफिस के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन कोई लेटर अगर आप लोग पोस्ट कर रहे हो तो उसको आप आईसीटी नहीं कह सकते आपका जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करने का या फिर मैनिपुलेट करने का एक्सेस करने का जो भी मैकेनिज्म रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिकली होना चाहिए डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए तभी तभी वो उसको आईसीटी बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और आई सी टी इज डिफाइंड एज द कम कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी विद रिलेटेड टेक्नोलॉजीज एंड स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई सी टी हैज नो यूनिवर्सल डेफिनेशन सिंस द कंसेप्ट मेथड्स एंड अप्लीकेशन इन्वॉल्व इन आई सी टी आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग ऑन ऑलमोस्ट डेली बेसिस आई सी टी की तो कोई ऐसी फिक्स डेफिनेशन नहीं है जैसे जैसे ब्रॉड टर्म्स या फिर जैसी जैसी नई चीजें यहां पर इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल मीडिया में एड होती जा रही है वो सब आईसीटी के अंदर ही कंसिडर की जाती है ओके सम अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ आईसीटी टेक्नोलॉजी डज नॉट एक्जिस्ट इन आइसोलेशन आईसीटी कॉन्ट्रीब्यूट एट वेरियस पॉइंट अलॉन्ग विद एक्टिविटी आईसीटी इज यूज इन एक्टिविटीज

आईसीटी इन एजुकेशन ओके सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हाँ आईसीटी इन एजुकेशन इट इज अवर ग्रोइंग कंप्यूटर सेंट्रिक लाइफ स्टाइल विच इंक्लूड द रेफिड इन्फ्लूक्स ऑफ द कंप्यूटर इन द मॉडर्न क्लासरूम अब आईसीटी का यूज एजुकेशन में कैसे रहेगा जैसे आप लोगों को पता होगा जैसे ही अभी जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा था तो बच्चों के लिए या फिर टीचर्स के लिए फिजिकली क्लासरूम में प्रेजेंट रहना और पढ़ाना पॉसिबल नहीं था वैसे ही बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से जो है वो बहुत हद तक डिस्टर्ब हो गए थे लेकिन अगर उन लोगों को आप लोगों को कंटिन्यू कंटिन्यू करना है ठीक है तो उसके लिए आप लोगों ने क्या यूज़ किया है आप लोगों ने उस डी इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल फॉर्म पर यूज़ किया है जैसे कि ऑनलाइन लेक्चर्स हो गया है गूगल मीट की मदद से या फिर कोई वीडियो लेक्चर सीरीज की मदद से आप लोग जो है वो ऑनलाइन लेक्चर्स पढ़ते हो तो ये सब क्या है ये आई की मदद से ये सब सब चीज़ें आप लोगों को कर रहे हैं ठीक है एजुकेशन में आई का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि डेटा इन्फॉर्मेशन जो है जो हम लोग स्टडी करते हैं जो हम लोग चीज़ें पढ़ते हैं वहाँ पर भी आप लोगों ने एक चीज़ गौर की होंगी कि आप लोग जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है टीचर अपनी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के साथ में शेयर करते हैं तो अब ये जो इंफॉर्मेशन शेयर करनी है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेंगी जब हम आईसीटी का यूज करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो डेटा रहेगा जो इन्फॉर्मेशन रहेंगी वो टीचर्स जो है वो स्टूडेंट तक पहुंचाने वाले हैं ठीक है कंप्यूटर सेंट्रिक ओके एंड आईसीटी कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन एजुकेशन इन यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन जैसे कि कोई भी ये वीडियो लेक्चर सीरीज है या फिर कोई गूगल मीट के थ्रू मैं अगर लेक्चर ले रहा हूँ तो बाइंडिंग नहीं है कोई भी पर्सन कहीं पे भी रह सकते वो लेक्चर जो है वो अटेंड कर सकता है प्रोवाइडेड दैट कि नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए तो आईसीटी इन एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूनिवर्सल एक्सेस है कोई भी उसको यूज़ कर सकता है वो कहीं पे भी रहो अगर वो मेरा स्टूडेंट है अगर उसको वो लेक्चर चाहिए तो मैं उसको प्रोवाइड कर सकता सो यूनिवर्सल एक्सेस इक्विटी इन एजुकेशन द डिलीवरी ऑफ द क्वालिटी लर्निंग एंड टीचिंग ठीक है देन टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड मोर इफिशियंट एजुकेशन मैनेजमेंट गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन तो ये सब चीजें जो है वो एजुकेशन में अच्छे तरीके से काम कर सकती है अगर आप एजुकेशन में आईसीटी का यूज करते हैं ठीक है देन एक्सेस इंक्लूजन एंड क्वालिटी आर अमंग द मेन चैलेंजेस दे कैन एड्रेस ऑल द गवर्नमेंट्स एम टू प्रोवाइड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन पॉसिबल फॉर देयर सिटीजन विद इन द कंसेप्ट ऑफ अवेलेबल फाइनेंस तो हर जो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये तो कोरोना पैंडेमिक की वजह से हम लोगों को मजबूरन जो ऐसी चीजें हैं वो करने के लिए हम लोग जो है वो रेडी हो गए लेकिन आगे चल के फ्यूचर में भी आप लोगों को आईसीटी का ही यूज करना पड़ेगा सो so दैट uh, हर जो पर्सन है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा जो है वो स्टोर कर पाए मैनिपुलेट कर पाए uh, उसको एक्सचेंज कर पाए बिटवीन वेरियस यूजर्स ओके आईसीटी का स्कोप क्या है प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स ठीक है ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स सबसे पहला स्कोप है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस आईसीटी इन स्कूल्स रोल ऑफ आईसीटी इन द क्लास एक्सपांडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इंक्रीजिंग इफिशियंसी एनहांसिंग क्वालिटी लर्निंग एनरिचिंग क्वालिटी ऑफ टीचिंग ओके देन फैसिलिटेटिंग स्किल इंफॉर्मेशन स्टैब्लिशिंग एंड सस्टेनिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग ठीक है जैसे कि अगर आप, लोगो आ, आप लोगों को कोई जो चीज़ें मैं आप लोगों को ऑडियो विजुअल फॉर्म में पढ़ाता हूँ तो वो बहुत हद तक आप लोगों को ध्यान में रख सकते हो आप लोग अगर आप लोगों के पास में इंफॉर्मेशन आपने स्टोर की है तो आप कभी भी उसको पढ़ सकते हो ठीक है इम्प्रूविंग पॉलिसी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एडवांसिंग कम्युनिटी लिंकेजेस आई टी प्रोफेशनल एंड वोकेशनल एजुकेशन इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ठीक है डिस्टेंस लर्निंग है लाइफ लॉन्ग लर्निंग है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशनल मैनेजमेंट तो ये सब चीज़ें आप लोग अचीव कर सकते हो एनहांसिंग है टीचिंग हेल्पिंग द स्टूडेंट लर्न

सो मोस्ट कॉमन अंडरलाइंग ऑफ द फील्ड ऑफ आई सी टी इन एजुकेशन रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू मीट द आई टी नीड्स एंड नॉलेज इकोनॉमी आई सी टी इन एजुकेशन पॉलिसी ऑफ ए गवर्नमेंट डिस्क्राइब अ स्टेप बाय विच कंप्यूटर्स विल प्लेस्ड इन स्कूल हर जगह हर स्कूल में हर कॉलेज में जो है वो कंप्यूटर प्लेस किए जाए हाउ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स विल भी प्रोवाइडेड द बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल टू कैटर द ग्रोइंग जॉब मार्केट्स इन द कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी सो कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी में हर टीचर को हर स्टूडेंट को कंप्यूटर को कैसे यूज़ करना है ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी ठीक है यूजिंग आई सी टी इन एजुकेशन सो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है ठीक है आई सी टी सपोर्टेड एजुकेशन में लार्ज नंबर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स यूज़ आई सी टी टू सपोर्ट प्रिंट कंटेंट दैट दे डिलीवर टू द स्टूडेंट कोई भी चीज़ें आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिकली समझाई समझाई जाती है स्टूडेंट उसको लर्न करते हैं और वो जो डॉक्यूमेंटेशन है या फिर जो नोट्स रहते हैं वो प्रिंट डॉक्यूमेंट में उनको प्रोवाइड किए जाते हैं ठीक है ये सब आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन में ये सब चीजें आप लोगों को मिलेंगी इंक्लूड ऑडियो एंड वीडियो सच एज रेडियो टेलीफोन प्रोग्राम ऑडियो वीडियो टेप्स डिलीवर टू द स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग किट एंड इट इज मोर रिसेंट टाइम मल्टीमीडिया कंटेंट सच एज लेसन विच आर डिलीवर्ड ऑफलाइन दैट इज सि ओके okay, तो ये ऑडियो वीडियो के फॉर्म में जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत सारी जो अभी स्कूल्स रहते हैं या फिर कॉलेजेस रहते हैं जो छोटे छोटे बच्चे क्या, नर्सरी में राइम्स जो पढ़ते हैं तो उनको वो एक सीडी वगैरह प्रोवाइड की जाती है ऑडियो वीडियो के फॉर्म में वो सीडीज़ प्रोवाइड की जाती है बहुत स्कूल्स रहते हैं कॉलेजेस रहते हैं वहाँ पे डिजिटल स्क्रीन लगाई जाती है उनको ऑडियो वीडियो ऑडियो वीडियो विजुअल्स के फॉर्म में जो लेक्चर्स है वो प्रोवाइड किए जाते हैं तो इन सब चीज़ों की मदद से आप लोग जो है वो आई सपोर्टेड एजुकेशन में जो है वो इनका यूज़ कर सकते हो ठीक है लर्निंग किट के फॉर्म में आप लोगों को, को कोई सी प्रोवाइड करेंगे कोई रेडियो टेलीफोनिक टेलीविजन प्रोग्राम्स आप लोगों को एजुकेशन के रिलेटेड बताई जाएंगी तो ये सब चीज़ें आई में आएंगी दिस इज also sometimes कॉल्ड multimedia education एजुकेशन multiple media मल्टीपल मीडिया आर support टू सपोर्ट लर्न लर्न करने के लिए आप लोगों को multimedia education एजुकेशन आप लोगों को हर एजुकेशन multimedia education एजुकेशन के फॉर्म में आप लोगों को उसको यूज़ करना है मल्टीपल मीडियाज जो है वो आप लोगों को यहाँ पे कवर करने सो दैट यूजर कैन लर्न स्टूडेंट कैन लर्न इट इन प्रॉपर वे ओके सो एनी एजुकेशनल प्रोग्राम दैट प्योरली डिलीवर्ड थ्रू आई सी टी और विथ आई सी टी डिलीवर्ड कंटेंट एज अ प्राइमरी बैकबोन ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अभी के जो रिसेंट टाइम में है वो जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो बैकबोन हो गया है ठीक है सच एज एन ऑनलाइन कोर्स थ्रू द वेब एंड आई सी टी इनएबल्ड एजुकेशन ओके ठीक है वेबसाइट के थ्रू कोई ऐप्स के थ्रू आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है जैसे आप लोगों ने बायजूस का नाम सुना होगा ठीक है तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है या फिर ये जो जो सब चीज़ें हैं वो आपको ऐप के थ्रू आपको नेटवर्किंग फैसिलिटीज के थ्रू आपको वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड की जाती है दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्स आई सी टी एक्सेस एंड रिक्वायर दैट द लर्नर यूज आई सी टी एज अ प्राइमरी एंड बेसिक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस ओके स्ट्रेंथ ऑफ आई सी टी लो पर यूनिट कॉस्ट डिस्टेंस एंड क्लाइमेट इंडिपेंडेंट ठीक है आईसीटी की मदद से ये सब एडवांटेजेस है आई के जो आप एजुकेशन में यूज़ करते हो कैन सर्व मल्टीपल टीचिंग फंक्शंस एंड डाइवर्स ऑडियंस हाई स्पीड डिलीवरी वाइड रीच एट लो कॉस्ट एंड यूनिफॉर्म क्वालिटी ओके सो ये सब चीज स्ट्रेंथ है वीकनेसेस भी है जैसे कि आप लोगों को आई सी टी अगर यूज करना है तो आप लोगों को हाई इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टअप कॉस्ट भी करना पड़ेगा सेंट्रलाइज यूनिफॉर्म कंटेंट आप लोगों को बनाने पड़ेंगे पहली बार एक बार बनाने पड़ेंगे जैसे अगर कोई डिजिटल फॉर्म में आप लोगों को इफॉर्मेशन स्टोर करनी है या फिर मैनिपुलेट करनी है तो उसको सबसे पहले आप लोगों को बनाना पड़ेगा अगर मुझको कोई डॉक्यूमेंटेशन स्टूडेंट को प्रोवाइड करना है कोई नोट्स प्रोवाइड करनी है तो मुझको पीपीटी अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के फॉर्म में उनको समझा के देना है तो मुझको वो सब चीज़ें पहले क्रिएट करनी पड़ेंगी इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली ठीक है तो ये सब चीज़ें पहले आप लोगों को करनी पड़ेंगी एक बार आप लोगों ने इन चीजों को बना लिया तो फिर उसके बाद में आप वो लाइफ लॉन्ग के लिए यूज कर सकते हो आर नॉट आइडियली लोकेशन एंड प्रॉब्लम सेंसिटिव एड्रेस प्रॉब्लम इन अ जनरल वे बट कैन नॉट विदाउट स्पेशल एफर्ट्स सॉल्व लोकल एंड कल्चरल सेंसिटिव प्रॉब्लम्स ठीक है ट्रेडिशनल यूज जो करते हैं लोग चीज़ें उनको छोड़ के वो जो है वो डिजिटल फॉर्म में आने के लिए बहुत उनको थोड़ी तकलीफ जाती है तो उनको वो गाइडेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा आप लोगों को आई यूज़ करते टाइम प्रॉब्लम्स टू रीच एक्सेस रिमेन नॉट एवरी वन हैज इक्वल टू एक्सेस सो दैट एवरी वन बेनिफिट्स इक्वली फ्रॉम द यूज़ ऑफ आई सी टी हर जगह पर आप लोगों को इक्वल एक्सेस मिले ऐसा नहीं है बहुत स्टूडेंट uh, जो है बहुत uh, जब लेक्चर्स करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि उनके एरिया में या फिर उनके घर के पास में नेटवर्किंग फैसिलिटीज़ उतनी नहीं होती है नेटवर्क स्ट्रेंथ उतनी नहीं होती है तो वो वीडियोज़ जो है या फिर जो लेक्चर्स है वो प्रॉपरली अटेंड नहीं कर पाते हैं तो ये सब चीज़ें हर जगह पे रहना पॉसिबल नहीं है कि आपके घर के पास में या फिर आप जहाँ पे हो वहाँ पे हर जगह पे नेटवर्किंग फैसिलिटीज़ अच्छी हो ये भी ऐसा ज़रूरी नहीं है ठीक है टेन टू क्रिएट न्यू क्लास नॉलेज रिच नॉलेज दोज हु हैव एक्सेस टू नॉलेज थ्रू द मीडिया बिकम रिचर एंड दोज हुट बिकम पुअर वाइडनिंग द नॉलेज एंड द डिजिटल गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर तो ये सब चीज़ें जो है वो वीकनेसेस एंड आई सी टी में आप लोग कंसिडर किए जाते हैं तो यही सब था आई सी टी इन एजुकेशन में तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेंगी सो so, इन सब चीज़ों की मदद से जो है वो आप आई सी टी का यूज़ कर सकते हो एजुकेशन में और आई सी टी क्या है आई सी टी के डिफिनेशन क्या है वो सब चीज़ें हम लोगों ने यहाँ हैं Thank you for attending this video lecture series. Thank you very much.